आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। चलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। तू न रोना के तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं। आकाशवाणी की तरफ से इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जागो जवानों, देश पुकार, खून में आण्यो रवानी, मुल्क मता जह जान दिनी सा याद कयो कुर्बानी, हेमू कालाणी, हेमू कालाणी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है।
हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़ कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। उड़वीय सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी हेमू कालानी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कलानी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।